हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एकेडमी श्याम सर। ओके स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स पर। तो आज अपन देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2.6 क्या है। तो देखिए स्टूडेंट्स, 2.6 में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0.03 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय पृष्ठ के केंद्र पर 7.6 माइक्रो, यहाँ पर माइक्रो है, माइक्रो कूलम आवेश स्थित है। गोलीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। पृष्ठ की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो फ्लक्स के मान में क्या परिवर्तन होगा, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए आपको एक गोलीय पृष्ठ दे दिया है जो कि एक गाउसिय पृष्ठ हो गया, और उसके अंदर एक चार्ज रखा हुआ है 7.6 माइक्रो कूलम का। ओके, गोलीय पृष्ठ के अंदर यह चार्ज रखा हुआ है 7.6 माइक्रो कूलम का, और उस गोलीय पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो 0.03 मीटर है। ये आपको चीज़ें दे दी गई है, आपको फ्लक्स चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि जो गाउस का जो नियम था उससे अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करते हैं, गाउस के नियम से। ओके, तो गाउस का नियम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या बताता है, गाउस का नियम क्या था, कि गाउस का नियम ये था कि किसी गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान उस गाउसीय पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। ये गाउस का नियम था। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि ये एक गाउसीय पृष्ठ है, इसके अंदर क्यू चार्ज है, तो जो फ्लक्स का मान हो जाएगा वो क्यू अपॉन में ε0 हो जाएगा। तो ये था गाउस का नियम जहाँ से अपन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो अब आते हैं अपने वाले पेज पर, जहाँ अपन को क्या क्या दे दिया है। यहाँ अपन को चार्ज दे दिया है, तो अपन को केवल ये चाहिए, तो फाइव इक्वल टू हो गया क्यू अपॉन में ε0, जो कि आप जानते हो। ठीक है, यहाँ पर अपने पास चार्ज है उसका मान अपन को दे दिया है, ये रहा। तो 7.6 माइक्रो 10^-6 हो गया, और बट्टे में ε0 की जो वैल्यू होती है वो 8.85 × 10^-12 होती है। तो इस प्रकार अपने कैलकुलेशन किया, 10^-6 और 10^-12 को काट दिया, -6 बची। ठीक है, और यहाँ पर 7.6 और 8.85 है, तो इनको आपस में अपने जब कैलकुलेशन किया तो अपने पास वैल्यू आ गई 8.6 × 10^5 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, जो कि किसका मात्रक होता है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम किसका मात्रक होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होता है। ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रा ये क्यों हुआ, क्योंकि आप जानते हो फाइ इक्वल टू क्या होता है, EdSB होता है। तो यहाँ से यदि अपन निकालें तो E का होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, और डीएस का होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम इसका मात्रक आ गया। इस प्रकार से क्वेश्चन हो गया अपना। फिर इसमें नेक्स्ट पूछा है कि त्रिज्या अपन ने दोगुनी कर दी है। देखिए त्रिज्या दोगुनी कर दी तो अब फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूँ गाउस के नियम में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो अपने अच्छे तरीके से पढ़े थे, कि गाउसीय पृष्ठ से निर्गत विद्युत फ्लक्स का मान है वो गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति मतलब त्रिज्या वगैरह है इस पर निर्भर नहीं करता है, तो इस पर डिपेंड नहीं करेगा। ओके, जो त्रिज्या है उसको दोगुनी कर दे या कितनी भी कर दे इस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मैं ये लिखूँगा कि देखिए मैं ये लिखूँगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउसीय पृष्ठ के आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है, आकार आकृति पर निर्भर नहीं करता है। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो गया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो ये का ये रहेगा, इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये अपना था क्वेश्चन नंबर 2.6। ओके, नेक्स्ट अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.7 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2.7 क्या है। चित्रानुसार एक बिंदु आवेश आपको दिया हुआ है, अर्धगोले के पृष्ठ पर स्थित है, अर्धगोला
जो पूरा गोला होता है उसको आप आधे भाग से काट दो। आधे भाग से काट दिया तो जो बीच का जो पृष्ठ बन गया है उस पृष्ठ पर ये चार्ज रखा हुआ है, तो पृष्ठ से पारित कुल विद्युत फ्लक्स का मान अपन को ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। उस अर्धगोले से मतलब उस जो आधा भाग है उससे अपन को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो आपको अच्छे तरीके से पता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, गाउस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट गुणा ए बटा एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो अपन को पता है कि मैंने पूरा गोला एक बार पूरे गोले की कल्पना कर ली, ठीक है, और उसके सेंटर पॉइंट पर क्यू चार्ज है, तो मुझे पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, बट मुझे पूरे गोले का नहीं चाहिए, मुझे आधे गोले का चाहिए, तो आधे गोले का क्या हो जाएगा, अर्ध गोले का चाहिए मुझे, तो आधे गोले का आपको पता है। तो मैंने इम्पोर्टेंट फैक्ट में एक पॉइंट लिखा था, क्या था इम्पोर्टेंट, कि कुछ सममित वस्तु हो, कुछ सममित आकार वाली वस्तु हो, ठीक है, और उसके आधे भाग से यदि आपको फ्लक्स पूछा जाए तो जो न्यू फ्लक्स है, जो न्यू फ्लक्स का मान है वो टोटल फ्लक्स का आधा हो जाएगा। ये मैंने आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट में आसानी से आपको मैंने बताया था कि मान लो कोई सममित आकार वाली वस्तु है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई है, तो आधे भाग का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऐसे ही एक मैंने जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और बताया था, दूसरा क्या था इम्पोर्टेंट, यदि कोई एन फलकों वाली यदि कोई सममित वस्तु है तो जो प्रत्येक फलक का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हो जाएगा फाइव बटा एन हो जाएगा। ओके, ये थे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो यहाँ से अपने पास आसानी से अपन निकाल लेंगे मुझे क्या चाहिए, मुझे अर्ध भाग से चाहिए, तो अर्ध भाग से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, तो पूरे का तो क्यू अपॉन में टू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो कितना हो गया, इस प्रकार देखिए विद्युत फ्लक्स का जो मान है वो हो गया क्यू अपॉन में टू एप्सिलॉन। यहाँ एक्सप्रेशन देख रहे हो आप कि गाउस नियम में विद्युत फ्लक्स पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, आवेश को परिबद्ध करने के लिए तथा सममित को ध्यान में रखते हुए अर्धगोले के समान अन्य अर्धगोले की कल्पना करते हैं। आपको पता है टोटल विद्युत फ्लक्स ये था, तो अर्धगोले से हो जाएगा दो का भाग लग जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 2.7। ओके, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ये थे दो न्यूमेरिकल। ओके स्टूडेंट, आगे न्यूमेरिकल्स इसी प्रकार से 2.8 2.9 चलता रहेगा। यदि कोई बड़ा न्यूमेरिकल्स होगा तो उसको उसका एक्सप्रेशन अपने जो रेगुलर क्लास चल रही है ग्रीन बोर्ड पर होगा, और जो छोटे न्यूमेरिकल्स है उनको इसी प्रकार से जो लाइव बोर्ड क्लासेस है उसमें अपना चलता रहेगा। तो इस प्रकार डियर्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाइए, और यदि बहुत ही अच्छा आपको वीडियो लगा, बहुत ही न्यूमेरिकल्स भी आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो न्यू स्टूडेंट है वो ज़रूर ध्यान रखना, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है, न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है। ओके, आपको न्यू वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना है और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ओके स्टूडेंट्स।